वो खबर जो आप पर और हम पर करती है सीधा असर, लेकिन आ रही है इस वक्त हैदराबाद से। चलिए देख लेते हैं इस खबर को। हैदराबाद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 26 मई को जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। लगातार जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसे देखकर लग रहा है कि तेलंगाना के हैदराबाद कोरोना का गढ़ बनता जा रहा है। एक मटन व्यापारी जो कि पहाड़ी शरीफ में रहता है वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उस परिवार के 14 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे आप सभी को डर है। इसके बाद आपको बता दें कि जिन्होंने इस व्यक्ति के पास से मटन खरीदा था उनको भी सुरक्षित रहना है। काफी लोगों ने अपनी सुरक्षा अपने हाथ देखते हुए तुरंत क्वारंटाइन कर लिया है। ये मामला सामने आने के बाद प्रशासन और सतर्क हो गया है, लेकिन ये जानकारी बताती है कि आप जहां से भी सामान खरीद रहे हैं सुरक्षा से खरीदिए, क्योंकि अगर कोई भी विक्रेता कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो आप सामान के साथ साथ कोरोना वायरस भी घर में लेके आते हैं। आपको बता दें कि अब अधिकारियों ने पहाड़ी शरीफ क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। पता चला है कि इस मटन व्यापारी के रिश्तेदार जियागुड़ा में रहते हैं और उन्हीं से इनका परिवार और ये संक्रमित हुए हैं। वहीं बात करें जियागुड़ा की तो वहां 100 से अधिक मामले सामने आए। स्थानीय लोग इसकी वजह से परेशान हैं। कुलसुपुरा पीएस लिमिट में आने वाले जियागुड़ा क्षेत्र के इंदिरा नगर, वेंकटेश नगर, दुर्गा नगर, साई दुर्गा नगर, मकबरा और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। 26 मई की बात करें तो 26 मई को कोविड-19 के जो आंकड़े आए हैं तेलंगाना में 71 नए मामले आए हैं और मौतों की संख्या भी अब बढ़ने लगी है। सरकार के साथ साथ हर व्यक्ति को अपनी खुद की सुरक्षा के बारे में सोचना होगा।